2013 में शाहरुख खान का एक मूवी आए थे चेन्नई एक्सप्रेस, जहां पे शाहरुख खान सर के ऑपोजिट लीड रोल में थी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। तो ओनली 70 करोड़ रुपीज ने बनी ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 423 करोड़। तो आप समझ सकते हैं जो ये मूवी कितना पसंद किए थे उसी टाइम पे। आई होप आप भी ये ब्लॉकबस्टर मूवी देखी होगी। तो टुडे इस वीडियो के थ्रू चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का सभी मेकिंग सीन्स आप देख पाओगे। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में एसआरके का नाम थे राहुल। तो राहुल उनके ग्रैंडफादर की अस्थि विसर्जन के लिए रामेश्वरम जा रहा था, लेकिन वहां पे एक्सीडेंटली चेन्नई की एक डॉन की बेटी के साथ मीट हुई थी, जिसकी नाम थी मीना लोचनी, बट राहुल उनकी मीनाम्मा कह के डाकते थे। तो मूवी का ये DDLJ वाला शूटिंग गोवा की वास्को स्टेशन पे करी गई थी। ये एक लोकल रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे शूटिंग करने के लिए पहले से परमिशन लिए गए थे। तो यह वाला शूटिंग के लिए काफ़ी सारे रीटेक लेनी पड़ी थी एंड हर रीटेक पे लगभग 30 मिनट्स लग जाता था और ये शूटिंग पूरा कंप्लीट करने में 6 दिन लग गए थे। तो मूवी में जो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन दिखाई गई वो रियल ट्रेन के साथ शूट करा गया था, कोई भी CGI ट्रेन का यूज नहीं की गई। लेकिन कुछ ही जगह पे मूवी का सीन ऐसा था जो रियल ट्रेन में शूट करना वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्की थे, जिसके लिए उसी सीन को एक स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन के द्वारा शूट करी गई थी। तो यह वाला शूटिंग हुई थी मुंबई के महबूब स्टूडियो में। यहाँ पे शूटिंग के लिए एक बड़ा सेट बनाया गया था और एक नकली ट्रेन के साथ ये शूटिंग करा गया था, जो बाद में CG एंड VFX के हेल्प से स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा मूवी में जो VFX डाला गया है, इसके पीछे रेड चिलीज VFX स्टूडियोज का हाथ था। मूवी का यह वाला शूटिंग हुई थी जब राहुल मीनाम्मा की विलेज पे चेन्नई एक्सप्रेस से आए थे और उनकी पिता के साथ मीट कर रहे थे। यहाँ पे मीनाम्मा की पिता का रोल किए थे सत्थराज। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बाहुबली मूवी में कटप्पा का रोल किए थे। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन था वो गोवा की बेलागावी वास्को दा गामा रेलवे रूट है एंड बैकग्राउंड में जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाया गया था वो दूधसागर फॉल्स है। तो अबाउट 700 क्रू मेंबर्स के साथ ये सीन की शूटिंग करी गई थी। यह वाला शूटिंग के लिए चौपर हेलीकॉप्टर भी लाना पड़ा था। मूवी में दूधसागर फॉल्स की जो स्काई शॉट दिखाए गए हैं वो उसी चौपर के थ्रू लिए गए थे। तो इस लोकेशन पे जाने के लिए फिल्म की पूरा टीम के लिए एक ट्रेन बुक किए गए थे और ये एक सिंगल लाइन ट्रैक है, जिसके लिए ये जगह पे बार बार ट्रेन क्रॉस करते थे और इसके लिए फिल्म के शूटिंग करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का एक सॉन्ग था लुंगी डांस, जो रजनीकांत सर के लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग है। ये एक्चुअली रैप सॉन्ग और ये सॉन्ग के राइटर एंड लिरिसिस्ट हैं फेमस रैपर यो हनी सिंह। तो यह वाला सॉन्ग की शूटिंग एक स्टूडियो के अंदर शूट करा गया था। सॉन्ग में जो सिग्निफिकेंट स्टेप दिखाई गई वो सब रजनीकांत सर का ही था। तो ये सॉन्ग बनने में 2 महीना लग गए थे, लेकिन ये सॉन्ग एसआरके का खास पसंद नहीं आए थे, बट सॉन्ग की जो पॉपुलरिटी वो बहुत ज्यादा था। मूवी का और एक बेहतरीन सॉन्ग है तितली। तो यह वाला सॉन्ग डिफरेंट लोकेशन पे शूट हुई थी, जिसमें से ये टेम्पल भी है। एक्चुअल में ये टेम्पल तमिलनाडु की 500 इयर्स ओल्डेस्ट एक टेम्पल है, जिसका नाम है वट्टामलाई मुरुगन टेम्पल। तो ये टेम्पल एक पर्वत की ऊपर है और वहाँ पे जाने के लिए आपको लगभग 100 स्टेप्स क्रॉस करनी होगी। इसके अलावा ये सॉन्ग की शूटिंग मिसापुल्लीमाला दक्षिण काशी एंड रामोजी फिल्म सिटी में भी शूट करी गई थी और ये सॉन्ग की कोरियोग्राफ किए थे फारा खान। तो
मूवी का एक फनी सीन है जब राहुल और मीनम्मा एक ही साथ स्लीपिंग कर रहे थे एंड उसी टाइम पे मीनम्मा चोड़ेल की एक ड्रामा किए थे और राहुल के पिछवाड़ा में केक मार के खटिया से फेंक दिए थे। तो यह वाला शूटिंग उसी फनी सीन की है। इसी सीन की शूटिंग के लिए एक छोटा गांव जैसा सेट बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि यह वाला शूटिंग महाराष्ट्र की पंचगनी विलेज लोकेशन पे करा गया था और इस सीन को रात के टाइम पर काफी ठंड में शूट करी गई थी एंड ये सीन की शूटिंग कंप्लीट होने में लगभग 6 डेज लग गए थे। मूवी में एक बाइक स्किड का सीन था जो शाहरुख खान सर खुद किए थे। हालांकि ये रिस्की शॉट के लिए स्टंटमैन रखा गया था लेकिन एसआर के ये खतरनाक बाइक स्किड शॉट खुद करना चाहते थे तो इसके लिए उन्होंने काफी टाइम तक प्रैक्टिस किए थे एंड प्रैक्टिस करने तक कई बार गिर भी गए थे। तो एट लास्ट ये शॉट उनके द्वारा परफेक्टली कंप्लीट हुआ था। मूवी का ये इंटरेस्टिंग सीन आई होप आप देखी होगी। तो यहाँ पे जो कार रियल थे एंड सच में पानी के अंदर डुबाया गया था। इसी सीन की शूटिंग केरला की एक हिल लोकेशन पे शूट करी गई थी। कार को एक रस्सी से बांध के यह वाला शूटिंग करा गया था। तो हर मूवी में एक सीन को परफेक्टली बनाने के लिए रिटेक बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ये सीन के लिए कई बार रिटेक लेनी पड़ी थी और इस सीन के रिटेक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये कार को हर टाइम स्टार्टिंग पोजीशन में लाना बहुत रिस्क एंड काफी सारे लोगों की हार्डवर्क की नीड थे। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो एक्शन लेवल है वो काफी रियलिस्टिक है। इस मूवी में बहुत सारे रियल कार्स ब्लास्ट किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का सभी एक्शन कोरियोग्राफ किए थे रोहित शेट्टी जिन्होंने इस मूवी का डायरेक्टर भी। तो इस फाइट सीक्वेंस मूवी का क्लाइमैक्स का है। यहाँ पे मूवी का मेन विलेन टांगाबली और राहुल के बीच जो फाइट हुई थी वो रियल में करा गया था। आई मीन कोई भी बॉडी डबल का यूज नहीं की गई जिसके लिए शाहरुख खान सर को काफी सारे माइनर चोट भी लगे थे और इसमें से एक चोट ऐसा था जिसके लिए उनके शोल्डर पे सर्जरी भी करनी पड़ी थी। तो इस एक्शन सीक्वेंस के बारे में एसआरके का कहना था जो ये एक्शन WWE रेस्लिंग जैसा था। तो यहाँ पे टांगाबली के कैरेक्टर प्ले किए थे निकितिन धीर जिन्होंने इससे पहले दबंग 2 रेड्डी जैसा मूवी में विलेन का रोल किए थे। मुंडी डंडी कुंजी क्यों